बैक ऑन आवर चैनल प्रैंक ऑफ फैमिली ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। सो आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइव टू सिक्स मस्ट है प्रोडक्ट जो आपके पास होने ही चाहिए इन एनी टाइम एनी वेयर। ओके, तो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार खरीदा है, नहीं, मतलब मेरा खत्म हो गया था तो मैंने दोबारा से मंगवाया है, वो भी अमेजोन से। और आपको पता ही है कि अमेजोन पे चल रहा था मेगा डे फैशन सेल, 16 से 20 तारीख तक चल रहा था और अभी भी काफी डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन प्रोडक्ट्स एंड होम अप्लायंसेस। एवरीथिंग इज ऑन सेल बिकॉज होली भी आ रही है एंड अभी वैलेंटाइन डे भी गया है, तो काफी अच्छे खासे सेल में थे तो मैंने मंगा लिया। और ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, मेरे पास ये होते ही हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं तो मैं फिर दोबारा मंगाती हूँ। कहते हैं ना कि कुछ चीजें हमारी डे टू डे लाइफ का हिस्सा होती हैं, लाइक चाहे वो क्रीम वगैरह हो, चाहे काजल हो, लिप बाम हो, तो ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो वही आज मैं वीडियो लेके आई हूँ कि फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको जो सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ वो है मामा अर्थ का ये लिप बाम। सो लिप बाम एक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें डेली लाइफ में चाहिए ही रहती है। कहते हैं ना लिपस्टिक तो बहुत ही हार्डली, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ओके, तो मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ का नरिशिंग नेचुरल लिप चीक एंड आई टिंट। ये मुझे काफी पसंद है और यही लिप बाम मैं यूज नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं यही करती हूँ, मैं एक और करती हूँ, मैं दो तरीके करती हूँ, तो मैं दोनों शो करने वाली हूँ। बट ये ऐसा नहीं है मैंने अभी मंगाया है और मैं फैन हो गई हूँ, नहीं, ये यूज्ड है, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी यूज कराया रखा है, सिर्फ आपको बॉक्स दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ये आता है क्योंकि अभी विंटर तो चला गया है, गर्मी आ गई है। अब गर्मी में क्या होता है कि मेकअप वगैरह नहीं होता है, बट स्टिल यू वॉन्ट वेरी लाइट मेकअप सो यू कैन यूज इट दिस टिंटेड लिप बाम फॉर ऑन योर लिप्स ऑल्सो, चीक्स ऑल्सो एंड ऑन आई पे भी, आई शेडो पे भी, मतलब निकल ही नहीं रहा। तो ये रहा वो छोटू सा, ये है मामा अर्थ का नेचुरल नरिशिंग नेचुरल लिप चीक्स एंड आई टिंट। और विटामिन सी है, मेड सेफ है, आपको ही पता है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है, कोई केमिकल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, नेचुरली होता है, मेड सेफ होता है, सर्टिफाइड होता है। तो हमारी स्किन, हमारे लिप्स, अब लिप में क्या है, लिप्स भी काले हो जाते हैं अगर आप लिपस्टिक वगैरह डेली लाइफ में यूज करते हो। इवन लिप बाम भी लिपस्टिक की तरह अवेलेबल है जिसमें काफी केमिकल्स होते हैं। अगर आप कोई लिप बाम ढूंढ रहे हो, दिस इज अमेजिंग, मैंने यूज किया, आप देख सकते हैं मैं काफी यूज कर रही हूँ उसको। इसमें एक शीशा भी दिया गया है, ये देख सकते हैं क्यूट सा, मतलब ट्रैवलिंग में अगर आप लिप बाम में अपना लिप्स पे लिप बाम लगा रहे हो तो आप अपने लिप्स इस शीशे में देख कर लगा सकते हो। सो दिस इज वेरी क्यूट, क्विट क्यूट, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें तीन कलर मिलेंगे आपको। देन सेकेंड मैं एक और लिप बाम बता सकती हूँ जो कि हाईली पिगमेंटेड हो और जो आपका थरली लिपस्टिक का काम करे, वो है, ये भी मैंने आयुर्वेदा कंपनी का मंगाया है। ये जरूरी नहीं है कि, मतलब मैंने मामा अर्थ यूज करती हूँ ज्यादा तो मैं मामा अर्थ के ही प्रोडक्ट आपको हमेशा बताऊँ, नहीं, उसके अदर देन मामा अर्थ ऑल्सो देयर इज अ टैग कंपनी जो कि प्योरली आयुर्वेदा कंपनी है, जो कि मैंने जो इसको इतना लगाया है। एक्चुअली दिस वर्क्स लाइक अ लिपस्टिक है, तो लिप बाम बहुत ही पिगमेंटेड है, हाईली पिगमेंटेड है। मैंने ये बहुत लगाया एंड दिस इज माय फेवरेट कलर। एक्चुअली मैं लिपस्टिक में मुझे पीच कलर बहुत पसंद आता है, आई डोंट नो व्हाई, तो ये बहुत अच्छा है एंड यू कैन गो फॉर इट। मैं तो इसको डेली लगाती हूँ। अभी ये मेरा लिप बाम आ गया है, ये वाला मामा अर्थ का, तो कभी ये तो कभी वो लगाऊंगी मैं, है ना। सो अमेजिंग है और सब पे मैं बता दूं डिस्काउंट चल रहा है। आपको बताइए अमेजोन जो है वो हमेशा 70-80% डिस्काउंट देता है ब्यूटी एंड फैशन कैटेगरी में, बट अभी भी आप शॉपिंग कर सकते हो, एड टू कार्ट कर सकते हो, इन सभी में अभी भी डिस्काउंट है। कोई ओकेजन होता है तो ज्यादा अमेजोन पे और ज्यादा सेल मिल जाती है, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे भी बहुत ज्यादा अच्छे खासे डिस्काउंट अवेलेबल है, सो यू कैन गो फॉर इट। एंड द थर्ड प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, सो बात तो हो गई है लिप बाम की, लेकिन बहुत सारे लोग लिपस्टिक भी लगाना पसंद करते हैं डेली लाइफ में। एक्चुअली मैं नहीं करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, भैया लगाती हूँ, अभी शादी में गई थी तब लगाई थी
और होली आने वाली है या कहीं मूवी वगैरह जाती हूँ, डिनर पे जाती हूँ, रेडी होके तो लगाती हूँ। तो मैं आपको दो लिपस्टिक शेयर करने वाली हूँ जो कि काफी अच्छी निकली। एक है रेनी की जिसमें 5 लिपस्टिक आपको मिलती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एंड रेनी आपको पता है काफी पॉपुलर चल रहा है, बहुत ज्यादा आजकल सेलिब्रिटी भी रेनी ब्रांड को काफी पसंद कर रहे हैं, आपने देखा होगा लिपस्टिक वगैरह। सो ये अच्छी निकली, काफी निकली, ये काफी अच्छी निकली, अफोर्डेबल भी है एंड 5 कलर्स मिल जाते हैं आपको। ये देखिए, सो इसमें आपको पिंक कलर मिल रहा है, पर्पल मिल रहा है, ऑरेंज टाइप का मिल रहा है, ये दिस इज माय फेवरेट। सो ये ऑल द टाइम मैंने खत्म कर दिया लगा लगा के, ये बहुत ही अमेजिंग है। ओके, तो ये काफी अच्छी निकली है और 5-in-1 है। सो एक आप ट्रैवल पर्पस के लिए काफी अच्छी है, इफ यू आर गोइंग आउट और ट्रैवलिंग के लिए, तो एक डाला 5 खत्म। एंड बिल्कुल भी ड्राई नहीं है लिपस्टिक, में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ड्राई नहीं होनी चाहिए लिपस्टिक, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड गर्मियों में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल लिपस्टिक ड्राई होती है ना तो बहुत अजीब लगती है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं है ये, एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है, अच्छी खासी चलती है एंड 5 से 6 घंटा चलती है। अगर आपने कुछ खा पी लिया है तो उसका टेंट तब भी रहता है, बिल्कुल जाती नहीं है बिल्कुल से। एंड दिस इज माय न्यू ट्राई, ये मैंने पहली बार ब्रांड यूज किया है। लिंक्स मैं सबके दे दूंगी, एमएचएस लिंक भी दे दूंगी, जिससे कि आपको सारे प्रोडक्ट इन वन गो में समझ में आए। एंड सेपरेटली भी लिंक दे दूंगी, जैसे कि आपको अगर कुछ खरीदना है सो दैट यू कैन परचेज इट। सो ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज करी है, नोट की है ये। एंड इसका जो कलर है, यू कैन सी द ब्यूटीफुल कलर, बहुत सुंदर है। ये देखिए, नई है, एक ही बार लगाई है तो मैं आपको कलर इस पे दिखा दूंगी। मेरे लिप्स पे तो बहुत सारे कलर है इस टाइम पे, ये न्यूड है, न्यूड पीच कलर है। एंड दिस इज अ वेरी लाइट कलर, मतलब अभी लिप्स पे दिख नहीं रहा है, बहुत ही लाइट कलर है, बहुत अच्छी है, बहुत ही क्रीमी है एंड सबसे ज्यादा की अफोर्डेबल है काफी। सो इफ यू आर फाइंडिंग एनी लिपस्टिक अफोर्डेबल में तो नोट के इसका भी दे दूंगी। इसमें कलर्स काफी अवेलेबल है, आप जा सकते हो, और क्रीमी है, काफी क्रीमी लिपस्टिक है। तो मैंने आपको दो लिप बाम बताए, दो लिपस्टिक बताई हैं, नाउ कम्स दी काजल। हाँ, तो आज से एक मंथ पहले मैंने ये काजल के बारे में बोला था, मामा अर्थ का ये काजल है। ओके, सो ये मामा अर्थ का काजल है। सो एक महीने पहले मैंने आपको दिखाया था ये काजल, एक या दो महीने पहले मैंने वीडियो में बताया था, तब मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था, तो आप लोगों ने ये बोला था कि पहले आप ट्राई कर लो दीदी, तब मुझे रिव्यू देना, तो हम लोग भी खरीद लेंगे। दिस इज माई सेकेंड पेंसिल, आई फिनिश्ड फर्स्ट पेंसिल एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब जितनी लिपस्टिक ले लो, मामा अर्थ की लिपस्टिक ले लो, पाउडर ले लो, इन सारी चीजों के लिए तो खुशी तो है ही है कि चलो मामा अर्थ ने ये भी प्रोडक्ट्स बना दिए जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम लड़कियों को, हम वेमेन को, और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स केमिकल से भरे लगाते हैं, जानते हुए भी लगाते हैं, लगाते आ रहे हैं। काजल भी एक बहुत ही फेमस काजल है, बहुत सारे जो हम आई थिंक 5, 6, 8 साल से तो वो काजल लगा ही रहे हैं, बट जब ये सर मामा अर्थ ये आया है ना, जब से मैं इतनी फ्री होके लगाती हूँ, बिकॉज एज यू नो कि हमारे पूरे फेस पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव हमारी आंखें होती हैं। हालांकि वो पहले वाला जो काजल लगाते थे, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डिग्रेड एनी ब्रांड, हम भी वही लगाते हुए आए हैं, नया आ गया है, नेचुरल आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको नेगेटिव बोलेंगे, वो भी अच्छा है, बट हम नेचुरल की तरफ ज्यादा भागते हैं जो जिसमें केमिकल नहीं होते हैं। तो आई विल हाईली सजेस्ट दिस मामा अर्थ का काजल, इफ यू आर अ काजल लवर एंड यू पुट काजल एवरी डे ऑन योर आईज। तो मैं डेली लगाती हूँ काजल, तो मैं ये यूज करती हूँ डेली पर्पज से, तो ये नेचुरल है, मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। तो अभी मुझे इचिंग नहीं होती थी, मतलब पहले भी मैं वो लगाती थी थ्रू आउट द डे, मुझे पता है क्या होता था कि 2-3 घंटे बाद यहाँ खुजली होने लगती थी, यहाँ, फिर भी लगाती थी बिकॉज काजल पसंद है। लेकिन जब से ये आया तब से मैं ये यूज कर रही हूँ। सो जितनी भी लड़कियां हैं, लेडीज हैं, गो फॉर दिस काजल, इस मच प्रूफ है। 11 घंटे का आपको स्टे पावर है इसमें, लॉन्ग और अफोर्डेबल भी है, सेम प्राइस पे भी है, नेचुरल है एंड आपको पता ही है चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टिक काजल है, नो टॉक्सिन, विटामिन सी है, शेमोमाइल है इसमें, मामा अर्थ का है और इंडियन ब्रांड है। सो काजल के लिए मैं इसको जरूर सजेस्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी शैम्पू। सो क्योंकि मेरा बहुत हेयर फॉल हो रहा है
एक्चुअली में अब क्या हुआ कि ठंडी जब से पड़ रही थी मेरा बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ था, मतलब ठंडियों में बहुत ही कम हेयर फॉल होता है मेरा, पता नहीं क्यों गर्मियों में ज्यादा होता है, और ठंडियों में मेरे पैर में प्रॉब्लम हो जाती है मेरी, मतलब एड़ी वगैरह बहुत ज्यादा फटती है, पर हेयर फॉल बहुत कम होता था, बहुत ना के बराबर। जब से गर्मियां आई हैं तब से ड्रास्टिकली मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बिकॉज सीजन चेंज हुआ है। तो अभी मैंने ये वाला शैम्पू मंगाया है जो मैं हमेशा से, जब भी हेयर फॉल होता था ना तो मैं ये यूज करती थी, जब भी मेरा हेयर फॉल हुआ है, मेरा हमेशा हेयर फॉल होता है डैंड्रफ की वजह से, मेरा डैंड्रफ बहुत जल्दी होता है गर्मी की वजह से, और मेरी जो स्कार्फ है ना बिल्कुल ऑयली हो जाती है, इवन मैं इतना ऑयल भी नहीं लगाती हूँ फिर भी ऑयली हो जाती है। तो मैंने ये बायोटिक का एडवांस्ड फ्रेश नीम एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड कंडीशनर मिक्स ये मंगाया है मैं, और ये मैंने कॉम्बो में मंगाया है, एक ये है एक बाथरूम में रखा हुआ है, आज ही मैंने उसे हेयर वॉश किया है, तो ये कॉम्बो में आया है। आई थिंक कितने का है एक ये 170 रुपीज का है, बट ये सिंगल इज नॉट अवेलेबल, जब आप एक एड टू कार्ट करते हैं तो दो हो जाते हैं, तो काफी अच्छा है, एंटी डेंड्रफ है, आपको डेंड्रफ की वजह से अगर हेयर फॉल हो रहा है और गर्मियों में बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है बालों में और डेंड्रफ हो ही जाता है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट शैम्पू, क्योंकि आई थिंक दिस इज द बेस्ट शैम्पू, अदरवाइज डेंड्रफ के लिए बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल हैं मार्केट में, बट केमिकल का थोड़ा सा वो पंगा रहता है, बट बायोटेक भी एक आयुर्वेदिक ब्रांड है, सो आई पर्सनली गो फॉर दिस, मे बी 2-3 महीने मैं इसे यूज करूंगी, मेरा हेयरफॉल कम हो जाएगा, डेंड्रफ कम हो जाएगा, क्योंकि मैं दूसरा यूज कर, तो अभी मैं ये यूज कर रही हूँ, सो काफी अफोर्डेबल शैम्पू है, सो इसका भी लिंक दे दूंगी। सो बताना आप आज का आपको ये मेरा हॉल वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है, एंड प्लीज गो एंड शॉप फ्रॉम Amazon, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे सेल अवेलेबल हैं, एंड अभी होली आने वाली है तो सेल की बरसात होने वाली है, तो तब भी मैं आपके लोगों के लिए वीडियो लाऊंगी, हॉल वीडियोस। तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने बताए हैं, चाहे वो लिप बाम हो, काजल हो, लिपस्टिक हो, शैम्पू हो, एंड अरे एक चीज तो भूल ही गई है क्रीम, तो दिस इज माई सेकेंड परचेज, ये क्रीम जो है वो ममाअर्थ की ग्रीन टी डे क्रीम है एक्चुअली में। अब गर्मी आ गई है तो हम बहुत ज्यादा गाढ़ी और उस टाइप की क्रीम अभी हम यूज नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज अ ग्रीन टी डे क्रीम विद ग्रीन टी एंड कॉलेजिन फॉर ओपन पोर्स के लिए, स्पेशली अगर आपके ओपन पोर्स हैं और आप कोई क्रीम लगाना चाहते हो दिन में जो कि बहुत ज्यादा ऑयली ना हो, बिकॉज इसमें ग्रीन टी है, एंड आपको पता ही है ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ग्रीन टी आपके स्किन को फ्रेश रखता है, एंड क्योंकि मुझे भी थोड़े थोड़े हल्के से मतलब माइन्यूट से यहाँ पे ओपन पोर्स हैं, तो मैंने ये क्रीम ट्राई करी थी, कब करी थी यार, 2-3 महीने पहले ही करी थी, तो ये मुझे याद आई कि ये क्रीम बड़ी अच्छी थी यार, दोबारा से ये मंगा लेते हैं, क्योंकि डेली लाइफ के लिए डे क्रीम चाहिए रहती है ना, तो मैंने इसलिए मंगाई। मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके की है, एक कंटेनर मैंने फिनिश कर दिया है ऑलरेडी, दिस इज द सेकेंड वन, और आई थिंक ये भी मेरा पूरा गर्मियों लेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी लगती है, बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, गर्मी में तो वैसे भी बहुत ज्यादा क्रीम नहीं लगाते हैं, लेकिन वो सारे लिंक दे दिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेक इट आउट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड एंड में अब मैं पूछ ही लूंगी भैया बता दो कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैंने हेयर कट कराया है, और हेयर कट इसलिए कराया है 2-3 रीजन थे यार कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल भी हो रहा था, गर्मी आ गई थी, एंड गर्मियों में बड़े लंबे बाल नहीं संभाले जा रहे थे। सेकेंड रीजन ये भी था कि मैं बोर हो गई थी अपने उस लुक से, सो थोड़ा डिफरेंट, और बाल क्या है, बाल तो अपनी ही खुद की खेती होती है यार, मेरे 2-3 महीने में फिर इतने हो जाने हैं, तो पता ना अच्छा लगा कि नहीं लगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, एंड खूब सारी शॉपिंग करें, इंजॉय करें, दिन इंजॉय करें, एंड फेस्टिवल इंजॉय करें जो कि इस मंथ में आने वाले हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।